राजस्थान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन राज्य मंत्री दीपक डंडोरिया जी हमारे साथ हैं। और दीपक डंडोरिया जी इसलिए खास चर्चा में हैं कि आपने नवंबर 2022 में वाइस चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आप पर विशेष रूप से विश्वास करते हुए इस आयोग के कार्य की जिम्मेदारी दी और उसके साथ ही आपने नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक राजस्थान के 20 जिलों के दौरे कर सफाई कर्मचारियों के हितों की आवाज़ को उठाया है और उसके साथ ही वहाँ के संबंधित जिला प्रशासन संभागीय आयुक्त के साथ मीटिंग करके और एक कड़े कार्रवाई और एक्शन में के मूड में आप नज़र आ रहे हैं। हाल ही में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर भी आप एक्शन में दिख रहे हैं, उनकी मांगों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना, सरकार का जो विजन है उस विजन को इम्प्लीमेंट किस तरीके से करें, इस बात को लेकर आप खासे एक्टिव हैं। तो दीपक डंडोरिया जी, आपका जेवीपी मीडिया ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरीके से आप राजस्थान राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का आपने एक आइडेंटिफिकेशन करवाया है, एक सामान्य सा आयोग था, बहुत कम हलचल होती थी, लेकिन आपके बनने के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री का विजन सफाई कर्मचारियों के हितों को जन कल्याण का है, किस विजन के साथ आप नॉमिनेट हुए, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक साधारण छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी दी। आयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकार का उद्देश्य गरीब का, आम आदमी का, किसान का, मजदूर का कल्याण करने की सरकार की नीति है, मुख्यमंत्री जी की नीति है। उन्हीं नीतियों का अनुसरण करते हुए मैंने इस आयोग के पदभार ग्रहण किया और मैं जितने भी जिलों में गया, जितने भी दौरे किए विभिन्न निकायों में और निगमों में, पालिकाओं में, परिषदों में, वहाँ पर मैंने सफाई कर्मचारियों की और पूरी सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती है उनकी जानकारी ली कि उन पे हम सफाई कर्मचारियों को, हमारे डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारियों को किस प्रकार से उनको राहत पहुँचा सकते हैं, उनके विकास के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। या एक सैनिक होता है, स्वच्छता सैनिक होता है, सफाई कर्मचारी एक बॉर्डर पे सैनिक लड़ता है और एक सैनिक ये होते हैं, तो इनके कल्याण हेतु, क्योंकि किसी भी शहर, कस्बे, गांव, ढाणी की आधारभूत, एक तरह से हम कह सकते हैं नींव की जो रीढ़ की हड्डी होती है, नींव होता है जो सफाई सैनिक होता है, तो उन सफाई सैनिकों के लिए हमें सुनना चाहिए। सीएम साहब खुद संवेदनशील है, सीएम साहब ने ही इस आयोग का 2003 में गठन किया था और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर इस आयोग में मुझे जिम्मेदारी दी। सर, जिस तरीके से आपके जिलों के दौरे होते हैं, क्या महत्वपूर्ण रूप से प्रशासन के साथ मीटिंग्स होती है, सफाई कर्मचारियों के हितों को किस तरीके से आप रखते हैं, और अगर कहीं पर लापरवाही सामने आती है तो क्या एक्शन लेते हैं? देखिए, बिल्कुल जो सरकार की मंशा है कि जो कार्मिक है वो काम भी करे और साथ ही जो कर्मचारियों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आयोग है और ये हर जिले को, हर कस्बे को, हर निकाय को इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ लापरवाही होती है, जो लोग लापरवाही करते ऐसे पाए जाते हैं, मैं सब जगह औचक निरीक्षण करता हूँ, उन पर हम निश्चित ही कार्रवाई करते हैं। इवन जो ऑफिसर्स होते हैं, सरकार ने आदेश निकाल रखा है कि जो लोग, जो काम दिया गया है हमारे डिपार्टमेंट में, उनको मूल पद पर काम करना पड़ेगा और उसी का हम सर्वे करते हैं। मैं खुद सर्वे करता हूँ, जाता हूँ, निरीक्षण करता हूँ, कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उन पर डेफिनेटली मैंने कई जगह एक्शन लिए और आगे भी लेंगे। जिस तरीके से अभी सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो रही है उसको लेकर के जो वाल्मीकि समाज है वो अपनी मांग रख रहा है कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ये प्रोविज़न किया था कि जो मूल रूप से सफाई कर्मी है वो उसमें आगे आने चाहिए, लेकिन अभी जो डिपार्टमेंट ने विज्ञप्ति निकाली है उसको लेकर भी थोड़ा सा उनमें आक्रोश है, तो उसका एक क्लेरिफिकेशन करें कि सरकार का क्या विजन और क्या मंशा थी और विभाग ने किस तरीके से उसको विज्ञप्ति को जारी किया जिसको लेकर ये थोड़ा हो हल्ला मचा हुआ। देखिए, सरकार की मंशा तो साफ है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी से बड़ा इस प्रदेश में कोई है नहीं। और मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई सफाई के कार्य में लगता है तो उसको सफाई का काम करना चाहिए, स्वाभाविक बात है। और मुख्यमंत्री जी तो नीचे स्तर तक
हर व्यक्ति की पीड़ा को समझते हैं, इसलिए उनको ये बात समझ में आई। और जो लोग सफाई के काम पर लग जाते हैं वो राजस्व की हानि करते हैं, सरकार की हानि करते हैं, और किसी भी शहर को साफ सुथरा रखने में सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए उस शहर का भी नुकसान वो लोग करते हैं। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मूल पद पर काम करें, और जो लोग मूल रूप से ये काम करते आ रहे हैं जिसमें कि वाल्मीकि समाज है, उन्हीं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि अधिकारियों की कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है, कहीं ना कहीं कमी रह गई है, मैं भी उसको रिव्यू करवा रहा हूँ। और वाल्मीकि समाज का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल कल मेरे ऑफिस आया था, आयोग के ऑफिस आया था, 500-700 से ज़्यादा लोग 33 जिलों के मेरे पास आए थे, हमने उनकी बात को सुना। और अब मैं निश्चित ही मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा, मंत्री जी से मिलूँगा, और जिन अधिकारियों ने इस तरह का कोई कृत्य अगर किया है, उन्होंने अगर ऐसी उनकी मंशा रही है मुख्यमंत्री जी के अगेंस्ट जाके, सरकार के अगेंस्ट जाके, आयोग के अगेंस्ट जाके, तो उन पर हम कार्रवाई के लिए भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे। और जो लोग परंपरागत रूप से सफाई का काम करते हैं उनके हक और अधिकार रहने चाहिए, और वाल्मीकि समाज को इसमें प्राथमिकता 100% मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से सफाई कर्मचारी जो एक आधारशिला होता है किसी भी शहर की स्वच्छता और सौंदर्यकरण की, तो उस स्वच्छता और सौंदर्यकरण को बढ़ाने के लिए आप प्रतिबद्ध है। बहुत कम समय बचा है, 8 महीने बाद चुनाव होने हैं, उससे पहले आयोग को काम करने का पिछले 6 महीने आपको मिले हैं, अभी 4-6 महीने और मिलने वाले हैं, क्या और कुछ संकल्पों के साथ आप काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? देखिए, काम करने वाले के लिए समय कोई पाबंदी ऐसा रहता नहीं है, बहुत समय है। हमारी मंशा जो आयोग जो काम कर रहा है, 30,000 सफाई कर्मचारियों की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, उपहार दिया है, और उस घोषणा को हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। जो 13,000 की निकाली है उसको भी हम बढ़वा के प्रथम चरण में ज़्यादा पद करवाएंगे, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दिलाएंगे, और सफाई कर्मचारियों के हितों अधिकारों की रक्षा के लिए हम और क्या कर सकते हैं। और सफाई कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएँ हैं, नए नए जो नवाचार हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे इनके बच्चों के लिए हॉस्टल, विद्यालय, आवासीय विद्यालय, और जो हॉस्टल होते हैं इन सब के लिए भी, और सामुदायिक केंद्र, कई विभिन्न तरह की योजनाएं हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूं। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए का बजट वाल्मीकि कल्याण कोष के नाम से इन्हीं के लिए दिया है, वो इन्हीं लोगों के लिए खर्च किया जाएगा। तो निश्चित रूप से बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक रोल में दीपक डंडोरिया जी अपना काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि प्रदेश की सफाई कर्मचारियों के लिए ये और बेहतर काम कर पाएंगे, और अपने करियर में भी निश्चित रूप से पब्लिक लाइफ में आप एक अच्छे लीडर के रूप में आगे बढ़ेंगे। मैं JVP मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक जागरूक मीडिया संस्थान होने के नाते आपने जो सबसे कमज़ोर और सबसे पिछड़ा तबका है उसकी बात को, उसकी आवाज़ को उठाया, उसके लिए मैं JVP मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना